मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी। पूर्ण संतुलन ईश्वर की वेदी है। मानव जाति एक बड़े चिड़ियाघर की तरह है, इतने सारे लोग इतने अलग अलग व्यवहार करते हैं, उनमें से अधिकांश का खुद पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। लेकिन इससे पहले कि कोई व्यक्ति जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उसे आत्मनियंत्रण रखना होगा, उसे संतुलन तलाशना चाहिए। पूर्ण संतुलन ही ईश्वर की वेदी है, इसके लिए प्रयास करें। और एक बार जब तुमने इसे पा लिया तो इसे कभी मत खोना। सामान्य व्यक्ति उनकी परीक्षाएं सहन नहीं कर सकता। जब मैंने आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू किया तो मैंने सोचा कि मेरे साथ केवल अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने पाया कि कई कठिन अनुभव भी आए। फिर मैंने तर्क दिया, चूंकि मैं ईश्वर से बहुत गहराई से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं रखी हैं। अब से मैं कहूंगा, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। गंभीर परीक्षण आए, लेकिन मैं इस विचार पर कायम रहा, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं जो कुछ भी उसने मेरे लिए भेजा उसे स्वीकार करना चाहता था। और उन्होंने हमेशा मुझे दिखाया कि हर परीक्षा में कैसे विजयी हुआ जाए। यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से मजबूत लोगों के लिए मृत्यु भी कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार सपना देखा कि मैं मर रहा हूँ, फिर भी मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, सब ठीक है, जो कुछ तेरी इच्छा है। फिर उसने मुझे छुआ और मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। मैं कैसे मर सकता हूँ? लहर मर नहीं सकती, वह वापस समुद्र में डूब जाती है और फिर बाहर आ जाती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं कभी नहीं मर सकता। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप एक ऐसा कपड़ा ढूंढने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपके अंदर का सर्वश्रेष्ठ निखार लाता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा का कोई विशेष परिधान नहीं है, यह अपनी इच्छानुसार कोई भी स्टाइल अपना सकता है। शरीर सीमित है, लेकिन आत्मा किसी भी प्रकार की मानसिक पोशाक, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व धारण कर सकती है। यदि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं, उसके इतिहास का अध्ययन करते हैं और सचेत रूप से उसके व्यक्तित्व का अनुकरण करते हैं, तो आप उसके जैसे बनना शुरू कर देंगे। आप उस व्यक्तित्व से अपनी पहचान स्थापित करेंगे। मैंने इसका अभ्यास किया है और मैं अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यक्तित्व अपना सकता हूँ। जब मैं ज्ञान का व्यक्तित्व धारण करता हूँ तो मैं ज्ञान के अलावा किसी और चीज की बात नहीं कर सकता। जब मैं भगवान के एक महान भक्त श्री चैतन्य के व्यक्तित्व को अपनाता हूँ तो मैं भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता। और जब मैं खुद को यीशु के व्यक्तित्व के साथ जोड़ लेता हूँ तो मैं भगवान को माँ के रूप में नहीं बोल सकता, केवल पिता के रूप में, जैसा कि उन्होंने किया। आत्मा किसी भी मानसिक पोशाक को अपना सकती है जिसकी वह प्रशंसा करती है या इच्छा करती है, और जब भी वह चाहे उस पोशाक को बदल सकती है। जब आप किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उसके जैसे होते? उन सभी महान गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुषों और महिलाओं के दिलों में हैं। आप उन सभी को अपने हृदय में रख सकते हैं। आप विनम्र और मजबूत हो सकते हैं, या किसी नेक मकसद के लिए लड़ने वाले जनरल की तरह बहादुर हो सकते हैं। आपके पास चंगेज खान की विजयी इच्छा या सेंट फ्रांसिस की दिव्य इच्छा और प्रेम और समर्पण हो सकता है। ईश्वर को खोजें और जीवन में विजयी बने। सबसे बढ़कर ईश्वर को खोजने की इच्छा विकसित करें, चाहे बाधाएं कुछ भी हों, तभी आप जीवन में विजयी होंगे। जब मैं काम के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा होता हूँ और कई परीक्षण आते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे इससे क्यों गुजरना होगा? मुझे ईश्वर मिल गया है, मुझे अपने लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास आएगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि एक दिन वे मेरे साथ होते हैं, अगले दिन वे मेरे खिलाफ होते हैं। आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपका आश्वासन ही मेरा आश्वासन है।
महान लोगों की चेतना का अनुकरण करें, उसकी सर्वव्यापकता का एहसास करो। जब मैं बात कर रहा हूं, तब भी वह जानता है कि मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि आप उसे नहीं देखते, मैं उसे देखता हूं। वह यही है, एक महान प्रकाश जो इस मंदिर को बदल रहा है। यहां हर कोई उस प्रकाश के भीतर है जिसे मैं देखता हूं। हम उस प्रकाश के सागर में लहरों की तरह हैं, चेतना का प्रकाश, कुटस चैतन्य, भगवान का प्रकाश। जब आप उसके प्रकाश और उसकी उपस्थिति को देखते हैं, तो आप जानते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है, जिससे हर किसी को भगवान तक पहुंचने के लिए गुजरना होगा। यदि शैतान माया के परीक्षणों पर विजय पा ली जाती है, तो शैतान माया भी परमेश्वर का उपकरण बन जाता है। प्रत्येक परीक्षण एक आशीर्वाद है यदि यह हमें ईश्वर के करीब लाता है। तुम्हें यही याद रखना चाहिए, और तुम पृथ्वी पर जो कुछ भी करो, परमेश्वर के लिए करो। प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, कोई भी दो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। अपने बारे में इस प्रकार सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर का उपहार है। मैं जो हूं, कोई और नहीं है। मुझे अपने दिव्य व्यक्तित्व पर बहुत गर्व होगा। मैं खुद को सुधारूंगा और अच्छाई का व्यक्तित्व धारण करूंगा। और जब तक आप अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं, आप सभी के लिए आकर्षक और प्रिय बने रहेंगे। आपकी भूमिका अच्छी तरह से निभाई गई भगवान के लिए आपका पासपोर्ट है। जीवन के इस पड़ाव पर अब्राहम लिंकन एक कुशल अभिनेता थे। वह अपनी कठिन भूमिका निभाने से नहीं डरते थे। वह ईश्वर के लिए और जिसे वह सही मानता था उसके लिए काम कर रहा था, मनुष्य की समानता। इसीलिए आज भी उन्हें याद किया जाता है और प्यार किया जाता है। यदि आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो आपने सभी की सेवा कर ली है। उसे प्रसन्न करने का प्रयास करें, मनुष्य को नहीं। आप दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं, उसमें पहले आप बने। इन सुझावों पर अमल करें। एक समय में एक गुणवत्ता लें और उसे विकसित करने पर काम करें। उदाहरण के लिए, आज से शांति का अभ्यास करें। फिर प्रसन्नता लो, जब आप दुखी हों तब भी मुस्कुराने का प्रयास करें। फिर साहस और निडरता विकसित करने पर काम करें। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं। यदि आप इनमें से एक हैं, तो एक अंधेरे कमरे में जाने का अभ्यास करें जब तक कि आप इस डर से छुटकारा ना पा लें। ये चेतना विकसित करें कि ईश्वर आपके साथ है। आप एक अभेद्य महल में हो सकते हैं और फिर भी वहां बीमारियां आप तक पहुंच सकती हैं। फिर भी आप युद्ध के मैदान में हो सकते हैं और आपके चारों ओर गोलियां उड़ रही हैं, और यदि आपका शरीर छोड़ने का समय नहीं आया है, तो कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईमानदारी, निस्वार्थता, व्यावसायिक क्षमता इत्यादि को पूर्ण करने का अभ्यास करें। इस पर उस मजबूत इरादों वाले शहीद की तरह काम करें जो अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करता। चाहे कुछ भी आए, उसे आपको परेशान या हतोत्साहित न होने दें। इसी तरह रहें। विचारशीलता और अच्छाई का अभ्यास तब तक करें जब तक आप एक खूबसूरत फूल की तरह न बन जाएं जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। वह सौंदर्य बनो जो फूल में है, और वह आकर्षण बनो जो शुद्ध मन में है। जब आप उस तरह से आकर्षक होंगे, तो आपके पास हमेशा सच्चे दोस्त रहेंगे। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रिय बनोगे।